So girls, the next topic is resonance. The resonance hybrid is integrated by putting the double-headed arrows between the contributing structure. So इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेंजीन की स्ट्रक्चर. So बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड. ठीक है, तो इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे विद द डबल हेडेड एरो. ठीक है, तो अब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू और मोर कन्वेंशनल वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स टू अराइव एट एंटायरली न्यू एंड इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज रेजोनेंस. बेंजीन क्या है, बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू स्ट्रक्चर, दैट इज वन एंड टू. सो इनको हम क्या बोलते हैं, द वेरियस पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. तो जो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड. सो जो यहाँ से हमें ये क्या पता चलता है कि जो बेंजीन है ना, उसको ना तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना ही ऐसे. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ना, समवट लाइज बिटवीन द टू. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. ठीक है, बट इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ना इन द बेंजीन, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है, सब में सेम है. ना तो वो डबल बॉन्ड की है ना सिंगल बॉन्ड की है, बट सबकी सेम है. सो आप कह सकते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन आर एग्जैक्टली द सेम लेंथ, दैट इज 1.397 आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना तो उसकी होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कितनी होती है, 1.34. ठीक है, बट इसकी कितनी आई है, जो इसमें बेंजीन में है ना उसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.397. ठीक है, ना तो वो सिंगल बॉन्ड के इक्वल है ना ही डबल बॉन्ड, बट इन बिटवीन दीज टू.